अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां पर भी होंगे हैरियत से होंगे। आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे जो है वीडियो बना रही हूं, जो कि है ग्लो गैली का नायासिनमाइड सीरम के हवाले से। बता दे रिव्यू इसका क्या है, क्या इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। मैंने 1 मंथ इसको इस्तेमाल किया है, आप लोग के साथ मैं रिव्यू इसका शेयर करने वाली हूँ कि इफेक्टिव है भी कि नहीं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, नायासिनमाइड आपको यूज़ क्यों करना चाहिए। तो आज वीडियो में ये चीज़ें जो है ना मैं कवर करूँगी। सो लेट्स गेट जंप इन टू द वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोग को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि देखें, आप लोग को मैं जैसे अब नायासिनमाइड के बेनिफिट्स बताऊंगी, इस तरह मैं एजिलिक एसिड, ट्रेटिनोइन, रेटिनॉल के और आप लोग को बेंजोइल परोक्साइड के जितने भी इस तरह के स्किन केयर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मैं कवर कर चुकी हूँ, जो नेक्स्ट फ्यूचर में कवर करूंगी, मैं सब कुछ डिटेल से आप लोग को बताती हूँ कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होगी, आप कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो हमें समझ नहीं आती, हमने इसको कैसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैंने समझाई होती है। देखिए, मैंने ये चीज़ सीखने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, अपना टाइम लगाया है, अपना दिमाग लगाया है, बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके तब आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। उसका एक निचोड़, एक थाली बनी बनाई आपको मिलती है, पकी पकाई जब खीर मिल रही होती है ना, तो उसको खा लेना ही बेहतर होता है। आपका टाइम बच जाता है, आपको चीज़ का एक पूरा जो है वो खुलासा मिल जाता है, तो उसकी कदर किया करें, ठीक है। आपका इन सब चीज़ों से मैं आप लोगों को बचाना चाहती हूँ कि आपके ना पैसे खर्च हों। आपके साथ मैं एक्सपीरियंस, अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करती हूँ कि इसको इस तरह यूज़ करोगे, ऐसे करोगे, आप लोगों को क्या क्या नुकसान जो है ना देखने को मिलेगा। तो थाली आप लोगों के साथ मैं बनी बनाई जो है मैं शेयर कर देती हूँ, तो उसकी कदर किया करो, वीडियो गौर से समझा करो, जिसकी भी देखते हो एटलीस्ट पूरी देखा करो, गौर से समझा करो कि उस बंदा या वो बंदी आपको समझाना क्या चाह रही है, उस चीज़ में है क्या, ये क्यों बेनिफिशियल है, ये है भी कि नहीं। तो इसलिए गौर से वीडियो देखा करें, उसको समझा करें कि बात क्या वीडियो में हो रही है, क्योंकि जो वीडियो में बात हो रही होती है आप लोग सबसे पहले वही क्वेश्चंस जो शुरू में मैंने कवर किए होते हैं वही आप लोग क्वेश्चंस जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ देते हो। फिर मुझे ऐसा फील होता है मेरा वीडियो बनाने का कोई शायद मकसद नहीं था, मेरा समझाने का कोई मकसद इनको समझ नहीं आया। तो वीडियो जो है गौर से सुना करें, पूरी भी ना देखो लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ जितनी देखते हो उसको गौर से समझा करो कि बात क्या वीडियो में जो है ना हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लो गैली के नायासिनमाइड सीरम के हवाले से। ये बिल्कुल वाटरी टेक्सचर उसका होगा, अगर आप अप्लाई करोगे बिल्कुल आपके फेस पे हैवी फील नहीं होता है, ठीक है, ना कोई चिपचिपाहट जो है आपके फेस पे फील होगी। मैंने जब इसको अप्लाई किया था तो मुझे कोई ऐसा इतना ग्रीसी जो है फील नहीं हुआ। तो ये जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जिनको मसला होता है कि यार हमने ऐसे जो हैवी सीरम्स अपने फेस पे अप्लाई नहीं करने, देन यू कैन यूज इट। इसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी मिलेगा जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी ये प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है नायासिनमाइड काम क्या करता है। नायासिनमाइड जो है ये एक वाइटामिन B3 भी इसको कहते हैं, इसको निकोटिनामाइड भी कहा जाता है, जी हाँ। तो अब ये काम क्या करता है, इसके बहुत से बेनिफिशियल आपकी स्किन के लिए। सबसे पहली तो ये चीज़ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज होती हैं, दूसरा आपके वाटर को ये प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस से आपको प्रिवेंट करता है, जो कि विद द टाइम बीइंग जब आप एज में आगे बढ़ते जाते हो तो वाटर जो है हाइड्रेशन आपकी बॉडी में से ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेजान दिखती है, उसी वजह से कि हाइड्रेशन आपकी स्किन के अंदर विद द टाइम बीइंग ख़त्म होती जाती है। तो इसको प्रिवेंट करवाने के लिए नायासिनमाइड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्ग्रीडियंट, यू हैव टू यूज़ दिस वन। अगर आप स्किन के रूटीन में कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नायासिनमाइड आपकी स्किन के रूटीन में लाजमी ऐड ऑन जो है ना होना चाहिए। दूसरा इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज होती है, अगर एक्नी वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबम की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ओबियसली जब सीबम की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करेगा तो आपको एक्नी वगैरह का भी जो है ना इशू कम होगा। एक्जिमा जिनको होता है, रोजेशिया का प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, रेडनेस रहती है फेस पे, तब भी आपको जो है नायासिनमाइड यूज करना चाहिए। ये जो है आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। आपके पोर्स बहुत ज्यादा जो है इनलार्ज्ड है, ओपन नहीं, ओपन तो हर एक के होते हैं, इनलार्ज्ड होना होता है, ठीक है, इनलार्ज्ड है तब भी उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको 3 से 4 मंथ्स इस्तेमाल जब करोगे तो आप खुद ही अपने स्किन पे विजिबल डिफरेंस देखोगे। उसके बाद अगर आपका स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हुआ हुआ है, सेंसिटिव हुआ हुआ है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका स्किन बैरियर बहुत सेंसिटिव है लाजमी डेफिनेटली इनको जो है नायासिनमाइड सीरम अपने स्किन के रूटीन में लाजमी एड ऑन करना है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्री मेच्योर एजिंग अगर हो रही है तो ये उससे प्रिवेंट आपको जो है ना करवाता है। मेलानिन की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको जो है अच्छे से प्रोडक्शन करवाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है तब भी जो है नायासिनमाइड बहुत अच्छा काम करता है। डार्क स्पॉट्स के लिए, मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया बहुत अच्छा काम करता है, मिलाजमा के लिए बहुत अच्छा काम करता है,
ऑब्वियसली जब आपके मेलानिन जो पिगमेंट होता है स्किन का वो जब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तब आपके डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा का प्रॉब्लम भी जो है ना आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप लोग देख सकते हो कि इसके कितने बेनिफिट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको डेफिनेटली कोई भी ब्रांड का आप यूज़ करें नाइसिनमाइड लाजमी आपने जो है अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना है। इसके सीरम के बॉटल की बात करूँ, ग्लास बॉटल आपको मिलेगी। जैसे प्रीवियसली मैंने इसके जितने भी आप लोगों के साथ सीरम बॉटल शेयर किए हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही इनकी सेम जो है आपको बॉटल ग्लास बॉटल में मिलेगा। दूसरा ये कि इसको अप्लाई करने पर भी आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने फेस पर जो है ना कुछ अप्लाई किया हुआ है। बाकी ये मैं रेकमेंड करती हूँ, जी हाँ मैं ये आपको रेकमेंड करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ये स्किन को ड्राई आउट कर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी स्किन पे जो है वो सीबम प्रोडक्शन जो है उसको जब वो कंट्रोल करता है तो आपकी स्किन फिर ड्राई आउट हो जाएगी। इतनी ड्राई आउट नहीं करेगी जितना जो है वो आपका दी ऑर्डिनरी का जो नायसिनमाइड सीरम है वो करता है, क्योंकि इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड सीरम है, सॉरी हेलुरोनिक एसिड है, तो इस वजह से ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं इतना होने देगा। ये मेरी एक्नी के लिए भी काम किया है, मुझे छोटे छोटे जो है पिंपल्स निकलना शुरू हो गए थे तो मैंने तब इसको इस्तेमाल किया था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया था। इससे पहले सीरम जो सैलिसिलिक एसिड सीरम मैंने इस्तेमाल किया था वो भी मैंने एक्टिव पिंपल में इस्तेमाल किया, तब भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। इसके साथ मैंने जो है जब मैंने इसको यूज़ करना एंड पे एक महीने के बाद स्टार्ट किया था ट्रेटिनॉन यूज़ करना, लेकिन इससे पहले मैं इसको बिल्कुल खाली इस्तेमाल करी थी, इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा मैंने ये भी सुना था कि इसको इस्तेमाल करने के बाद छोटे छोटे जो है पिंपल्स निकलना शुरू हो गए थे, वो ये भी हो सकता है कि आपको ये वाला फॉर्मुलेशन में भी सूट ना किया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली नायसिनमाइड जो दी ऑर्डिनरी का है उसके भी मेरे पास बहुत से ऐसे जो है मैसेजेस पड़े हुए हैं कि वो माइली काम नहीं किया, हमने ओरिजिनल ही बाय किया था, हमने बाहर से ही किसी से मंगवाया था और उनकी मैंने पैकेजिंग भी देखी थी, वो सब ओरिजिनल ही नायसिनमाइड यूज़ कर रहे थे, उनके लिए वो भी काम नहीं किया था। ये तो वेरी करता है स्किन टू स्किन, तो आपको डेफिनेटली जो है ना ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अफोर्डेबल है, 500 के अराउंड जो है ये आपको अंडर ही जो है ना ये मिल जाएगा, दराज से मिल जाएगा, ग्लो कैनिक के पेज से इजिली मिल जाएगा। ऑलरेडी आप लोग इसकी चीज़ें बाय कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ से आपको इजिली जो है ना मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई विजिबल डिफरेंस देखना चाहते हो देन आपने इसको मैक्सिमम जो है 3 से 4 मंथ्स लाजमी जो है इस्तेमाल करना है ताकि आप जो है इसके विजिबल जो है ना वो डिफरेंस देख सको। बाकी एक्टिव एक्नी है तब आपको यूज़ करना है, अगर आप ट्रेटिनॉइन के साइज को यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब आप लोग मुझसे इतना पूछते हो कि अफोर्डेबल नायसिनमाइड बता दे, देन डेफिनेटली आपको ये बाय कर लेना चाहिए। मैंने इस्तेमाल किया है, हमेशा ये कहती हूँ खुद पहले इस्तेमाल करती हूँ फिर आप लोगों के साथ जो है ना कोई भी चीज़ मैं शेयर करती हूँ। डेफिनेटली बाय करें, अफोर्डेबल बहुत है, ईजिली आपको दराज से भी मिल जाएगा, डिलीवरी चार्जेस डाल के आपको 550 रुपीज़ में जो है ना ये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये अफोर्डेबल है, इजिली आप दोबारा भी जो है ना इसको बाय कर सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई है, पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो लाजमी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट शेयर करती हूँ, खुद इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी चीज़ों का मुझे रिएक्शन भी हो जाता है, वो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जिसकी वजह से स्किन पर मेरे बहुत बुरे तरीके से एलर्जी भी हुई है, रिएक्शन भी हुआ है, इचिंग भी हुई है, क्योंकि खुद इस्तेमाल करके फिर यही चीज़ें जो है साथ साथ भुगतनी भी पड़ती हैं, फिर उनमें पता चलता है कौन सी चीज़ अच्छी थी कौन सी नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।